किसी से कहेगा कि मैं संध्या हूँ तो कोई उसकी बात मानने वाला है नहीं। यहाँ तक कि परिवार के हर अहम फैसले में दखल करने से उसे मना कर दिया गया, और मेरे बारे में तो वो कुछ भी कहे कोई भी उसकी बात नहीं मानने वाला। बेवकूफ, वृंदा के माँ बाप को लेकर आया था पार्टी में। जब उन लोगों ने मुझे फोन किया उसके जाने के बाद, मैं चाहती तो उन लोगों से कह सकती थी कि वो पार्टी में ना आए, लेकिन मैंने जानबूझकर उनसे कहा कि वो जरूर आए पार्टी में ताकि सबके सामने मैं पीके को उल्लू बना सकूं। उसकी शक्ल देखने लायक थी गायत्री जी। वैसे ही सब उससे नाराज थे सुबह की किन्नर वाली हरकत को लेकर। ऊपर से मैंने सबसे कह दिया था कि ये इंसान तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, क्योंकि मैंने इसे पनिश किया, मुझे इस घर से बाहर निकलवाना चाहता है। ये सारी बातें सबके दिमाग में थी, ऊपर से सबके सामने उसकी बातें झूठी साबित हुई। खूब सुनाया सबने उसे, बहुत अच्छा किया। He deserves it. उसे छोड़ना नहीं। और संध्या, अब तुम्हें ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। ये डीके इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ने वाला नहीं है। वो जरूर कोई और प्लान बनाकर तुम पर फिर से अटैक करेगा। अपना ध्यान रखना। जी गायत्री जी। गुड नाइट। गुड नाइट। आपके लिए हमारी बेटियों की कोई अहमियत है अपनी जिंदगी में? जिस तरह बहनी साहब और दादा साहब के बारे में सोचते हैं, कभी तो हमारे लिए भी सोचिए, हमारी फीलिंग्स के बारे में सोचिए। सबके सामने एक अंगूठी के लिए दादा साहब ने आपकी तलाशी ली है। दादा साहब ने डीके की तलाशी भी ली? डीके की तलाशी ली या नहीं ली, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है पंकज जी। अरे कम से कम डीके के पास अंगूठी तो मिली। लेकिन भरी महफिल में सबके सामने वो आपकी तलाशी कैसे ले सकते थे? वहां पर ज्योति प्रिया भी मौजूद थी। उनके दिल पर क्या गुजरी होगी ये देखकर कि उनके पापा के पंकज जी मेरे लिए ना सही, कम से कम अपनी बेटियों के बारे में तो सोचिए। यही जवाब मिलेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपने लिए ना सही, मगर अपनी बेटियों के लिए। बेटा चाय रखो। अरे रख दो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा, चाय पी लो ना, ठंडी हो जाएगी, वरना फिर कहोगे मैंने तुम्हें ठंडी चाय पिलाई। ओ मेरी बुढ़िया, तू जानती है ना मुझे, समझती है ना, तो जाना, डिस्टर्ब क्यों कर रही है, जा यहां से, ये बही खाता पूरा कर लेते, जा। श्रद्धा को तुम्हें इस तरह उसके मायके से नहीं लाना चाहिए था। मैं सच कह रही हूँ बेटा, संध्या की शादी के बाद उसके मायके में क्या हुआ तुम सब जानते हो। श्रद्धा जब तक अपने बहनों के साथ बैठकर संध्या की सच्चाई का पता नहीं लगा लेती, उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। बेटा तुम उसे यहां तो लेकर आए हो, लेकिन उसका मन वहीं पर है, उसकी बहनों के पास। कुछ दिन और उसे वहां रह लेने दे। अच्छा तो यहां का काम कौन करता, घर का काम कौन करता? और उसकी बहन, क्या नाम है उसका, हाँ संध्या, उसकी सच्चाई क्या है क्या पता? और सच्चाई पता करने में कितना वक्त लग जाता है। वो तेरी लाडली को बोल, अपनी बहन के बजाय अपने पति और इस घर की चिंता करनी चाहिए। बात करती है जा। बेटा जहां तक काम का सवाल है,
वो तो नहीं रुका, कर ही रही हूं ना सब कुछ। क्यों, चाय ठंडी हो गई है या अब भी गर्म है? इतनी बार मैंने तुमसे कहा है जब चाय देती हो सिर्फ चाय दे दो, उसमें कोई प्यार या अच्छाई के डोज मिलाना जरूरी नहीं है। हम पहले से ही बहुत अच्छे हैं, जो कि उसे इतनी दिन बहनों के साथ रहने दिया। जाओ दो कप चाय बनाओ रोहित और मेरे लिए। अरे जाओ ना, ये बाद में करो, पहले चाय बनाओ जाओ। उसे इसी तरह एहसास दिलाते रहो, देखा ना कैसे छोटा मुंह करके चुपचाप खामोश चली गई। बात समझ में आ रही है ना रोहित? संध्या, टीके को यह बात नहीं पता चलनी चाहिए थी कि तुम संध्या। ये कुछ जल्दबाजी हो गई, अब वो चुप नहीं बैठेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ूंगी तो मैं उन लोगों को नहीं, और मैं खुद चाहती थी कि डीके अंकल को पता चले कि मैं संध्या हूं, ताकि उन्हें ये पता चले कि उन्हें कौन सजा दे रहा है और क्यों सजा दे रहा है। इस घर के एक एक सदस्य का मैं यही हाल करने वाली। इन लोगों को कैसे हैंडल करना है ये अब मैं बहुत अच्छे से समझ गई। खैर वो छोड़िए, अब मैं आज अपना कबर्ड साफ कर रही थी तो कबर्ड में अचानक ये शर्ट मिली। मुझे लगा शायद युवराज या डीके अंकल का होगा, फेंकने ही वाली थी, फिर सोचा कि एक बार आपसे पूछ। ये शर्ट तो नीरज की है। तुम्हें कहां से मिली? नीरज की शर्ट, देखो तो, इन लोगों ने गुस्से में आकर नीरज का सारा सामान जला दिया, पर किस्मत का खेल देखो, उसके सारे सामान में से बचा ये शर्ट और मिला वो जाकर तुम्हारे ही कपड़ों में। प्यार कहीं ना कहीं अपने होने का एहसास जरूर छोड़ जाता है। संध्या, तुम यकीन भी नहीं कर सकती कि नीरज तुमसे कितना प्यार करता था।